माओवादियों ने 3 दिन की बंदी के आखिरी दिन उत्पात मचाया। गुमला के कुरुमगढ़ थाना के नवनिर्मित भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया। माओवादियों ने भवन के पास एक पर्चा भी छोड़ा है। इस लेटर में लिखा गया है, पोलित ब्यूरो सदस्य किशन दाह, नारी मुक्ति संघ की नेत्री शीला दी समेत अन्य कामरेडों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया ये कार्रवाई है। थाना भवन उड़ाए जाने की खबर के बाद सनसनी है इलाके में। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात करीब 70 से 80 माओवादी पहुंचे थे और विस्फोट कर थाना के नवनिर्मित भवन को उड़ा दिया। आपको बता दें कि माओवादियों के थिंक टैंक किशन दाह और उनकी पत्नी शीला मरांडे की गिरफ्तारी का माओवादी लगातार विरोध कर रहे हैं। 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया, जिसमें माओवादियों ने लातेहार और चक्रधरपुर में रेल पटरियों को निशाना बनाया था। उसके बाद 23 से 25 नवंबर तक 4 राज्यों झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।